कोई है, कोई मुझे बाहर निकालो। लोगो, मैं एक गरीब औरत इस गड्ढे में गिर गई हूँ। कोई है, कोई मुझे बाहर निकालो। अरे अभी राम सिंह, अरे बेटी रामलीला मैदान में बहुत सारे गांधी मैदान में बहुत सारे गड्ढे हैं। एक गड्ढे की बेमाश हमें यहाँ भी करनी है। अच्छा अच्छा, ये एक गड्ढा, ये भी जल्दी इसकी नापाई लंबाई 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 छह फीट लंबाई चौड़ाई देख चौड़ाई चार फीट चार फीट चौड़ाई चौड़ाई सोलह फीट हाँ। अरे ये तो बहुत गहरा गड्ढा है। यही तो मैं कहती हूँ हुजूर, गड्ढा बहुत गहरा है, मैं अपने आप बाहर नहीं निकल सकती। मेहरबानी करके मुझे बाहर निकाल दीजिए। पागल हो गई है। अरे सरकारी कर्मचारियों का काम है गड्ढे की पैमाइश करना, ताकि उसमें गिरे हुए लोगों को बाहर निकालना। भैया अभी बहुत सारे गड्ढे नापने। अरे सुनो तो भैया, अरे मुझे बाहर निकालो। अरे आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज कहाँ से? आवाज नहीं, आवाज सुनाइए। में एक औरत भी पड़ी हुई है। अरे इसमें तो कीचड़ है, जो निकालेगा उसके तो कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। अरे भैया कपड़े गंदे हो या कुछ भी हो, जो निकालना तो पड़ेगा ना। आइए आइए, सब मिलकर निकालते हैं। आइए आइए, जरा हाथ बढ़ाइए। भाई साहब, ए भाई साहब, अरे पढ़े लिखे भाई साहब, आप ही सुन लो। आजू टॉकिंग टू मी, आ जाओ आ जाओ, जरा निकालते हैं। कैसे बात कर रहे हो? हाँ आपसे ही बात कर रहा हूँ, आ जाओ। आप मुझे जानते हैं? भाई इसमें जानने की क्या जरूरत है? आप जानते हैं मुझे? नहीं। आप कोई टीवी पर मेरा इंटरव्यू नहीं सुना आपने? टीवी देखने का बहुत, अखबार में फोटो, रेडियो लेक्चर नहीं सुना? अच्छा ओके, लेकिन इंट्रोड्यूस माइसेल्फ, मैं आपको आपको अपना इंट्रोडक्शन कराता है। मैं दुनिया का औरत की समस्या पर दुनिया का महानतम लेखक है। ओके, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से सोशल वर्क में एमए किया, हार्वर्ड से पीएचडी किया और कैम्ब्रिज इंग्लैंड से मैंने डीलिट किया सोशल वर्क में। मैंने औरत की समस्या पर 20 बुक्स लिखा है, 20 बुक्स। और जानते हो 20 बुक्स, जब तुम्हारा देश का प्रधानमंत्री मोदी औरत की समस्या पर बोलता है, ट्रम्प बोलता है अमेरिका का प्रेसिडेंट और यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी बोलता है, मेरी किताब से उठाकर कोट करता है, समझ गए? तो ये बात अच्छा मौका है ना गड्ढी करने का भी, आइए निकलवाइए इसे। अच्छा एमए किसने किया सोशल वर्क में? आपने किया। पीएचडी किसने किया? आपने किया। हिंदी किसने किया? अरे भाई आपने किया। आपने लिखी। मोदी किसको वोट के बोलता? आपको बोल रहा हूँ, किसको बोलता? आपको वोट कर। सॉरी सॉरी। और तू मुझे बताएगा मैंने कब सोशल वर्क करना है सभी? इडियट। अरे मैं सारी दुनिया का औरत का ठेका लिया है, एक एक औरत को इधर गांधी मैदान से निकालेगा तो मेरे को 200 ईयर्स का लाइफ चाहिए। आ गया मुझे सिखाने के लिए। और लेट मी टेल यू, मैं इधर क्यों आ गया हूँ? क्यों आ गए? फिर हम विज्ञान भवन जा रहे थे मोहन भगवत जी के साथ औरत की समस्या पर भाषण देने, उधर तो हमारा हेलीकॉप्टर में पेट्रोल खत्म हो गया। हम चलता है, हमको सिखाएगा इंडियन गधा, जिसम में से बदबू आ रहा है इतना जैसा लगता है। अभी रहने चाहिए, अभी तो मुझे वहाँ जाना है। अरे भाई साहब, तबलीगी जमात में इमाम साहब आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन कर रहे हैं। अरे भैया तबलीगी इमाम में बाहर से चले जाने जमात में, अभी पहले इसको लगवा दो। अच्छा एक काम करता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, अगली बार जब जरूरत हो तो मुझे बता देना, बस तबलीगी जमात ना हो, वो इमाम साहब ना आए हो। आइए आइए आप। अरे भाई साहब मैं निकाल तो देता, पर आज नमस्ते इंग्लैंड देखने जाना है और ब्लैक से टिकट मिला है तो फिर। अरे बहन सुनती हो? भैया बाहर निकालो। मैं फिर कभी आऊंगा, जब तुम गड्ढे में गिर जाऊंगी वरुण धवन की तरह आऊंगा और यूं ले जाऊंगा। अभी के लिए नमस्ते, फिर मिलते हैं। अरे भाई साहब आप आ जाइए। अरे हम तो जरूर निकाल देते हैं, लेकिन अभी शाखा में जाना है। आरएसएस की शाखा में जाना है? हाँ हाँ।
अरे अच्छा तुम आज मत जाओ यार, क्या हुआ कैसे ले जाना? अरे आज नहीं गया तो हमारा तो राज्य खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? आज सारे टेंडर पास हो रहे हैं वहाँ पे और शाखा में टेंडर शाखा में पास होते हैं। आपको मालूम है सारा टेंडर वही तो बनता है और वही पास होता है। ओ भाई फिर कभी गिरना तो बता देना, हम और शाखा के साथियों के साथ आएंगे, आपको जरूर निकाल दिए जाएंगे। अभी के लिए समय चाहते हैं भाई साहब मैं निकाल तो देता लेकिन मुझे जाना भी बाबा रामदेव के शिविर में गया तो कम करना ब्लैक पकड़े टिकट लिए 6-6 महीने पहले का काम करती है, टिकट ब्लैक नहीं पड़ती भाई साहब। 8,000 रुपए दिए उनके शिविर के लिए और उनके चक्कर में पड़ गया तो मेरा 8,000 रुपए क्या होगा? बहन फिर कभी गिरना तो बता देना, फिर आऊंगा मुझे निकाल। चलो कोई बात नहीं, हाथ ऊपर करो, किसी को रामदेव के शिविर में जाना है, किसी को फिल्म देखना जाना है, हाथ ऊपर करो। अरे तुमने भीड़ क्या लगा रखी है, यो क्या हो रही है, मजमा कर रखे बैठे, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्या हो रहा है, पता ना दफा 144 लग रही है, ये कर रहे हो तू, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और अब गिरी ना गिरेगी तो क्या दिल्ली पुलिस वाले गिरेगा, अब बिहार पुलिस वाले गिरेंगे गड्ढे में, और क्या लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पता नहीं कर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लिया है, ये चुप रहे को जरा समझाने दे, लॉ एंड ऑर्डर ये राजनाथ सिंह जी के मैक्सिमे करोड़ रूपए खर्च करके पुलिस का मैक्सिम ये लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लिया है। और अच्छा अच्छा जान बूझ के गड्ढे में गिरी है, जान बूझ के, जब से बेरोजगारी फैल रही है ना, ये बेरोजगार नौजवान के कर रहे हैं भाई, पैसा जमा करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, अभी आपसे पैसा मांगेगी पैसा, और तू ये बैठी किस पे? ओ पानी के पाइप पे बैठी, पानी के पाइप पे ये छेदा करेगी और जहर मिलाएगी, मुझे तो जरूर कोई नक्सल आएगी या पाकिस्तानी जासूस लग रही है भाई आपकी क्या? नहीं मैं कोई जासूस वासूस नहीं, गरीब चुप पड़ी रहे, पुलिस ने हर बात का बेरा हुआ है, पुलिस ने हर बात की खबर हुई है, तू गरीब है, गरीब है छठी भी बदमाश पैदाइश, अपना नाम बता। मेरा नाम रानी है। सुनो रानी, एक इंग्लैंड में रानी हो रानी है, मैदान के अंदर बीच में, अच्छा अच्छा ठीक है तेरा चलान होएगा, चलान चलान हो जाए मगर मुझे गड्ढे से सवाल निकालो, गड्ढे से बाहर निकालो, निकाल देंगे गड्ढे से, गांधी जी है तेरे पास, गांधी जी को नहीं जानते, बाबा का छपा हुआ कागज देखा भी ना है तूने, ना फिर ना निकाल सकते भाई, पुलिस का महकमा सैकड़ों साल से चल रहे हैं, गांधी जी दिखाओ, उससे पहले विक्टोरिया दिखाते थे और उसके बाद हम निकालते थे, देख हम तेरे को सच एक बात बताए, हमारे परसों हमारा ताऊ आ गया FIR कराने, वो पटवा परस अपना घर बुलाया था, हमने कहा ताऊ जी वो ले आओ, ताऊ जी ले आओ तो रिपोर्ट लिखेंगे, तेरे को निकाल दे हम, पुलिस के महकमा सैकड़ों साल से जिस तरीके से चल रहा है उस कानून को तोड़ दे हम तेरे लिए, मारूंगा सिसरी के डंडा एक, पागल हो गई है ये, पागल हो गई है पूरी पूरी पागल, बच्चे मेरा घर पर इंतजार करते होंगे, कोई मुझे बात ये किसने आवाज दी हमको, ये किस प्राणी के अंतर्वेदना ने पंडित जी को पुकारा, महाराज यहाँ गड्ढे में देखिए, ये सुबह सुबह मरेच मुसलमान सामने आ गया, तुम्हारे गंगा स्नान करना पड़ेगा, सुबह सुबह दिखाई दे गया ये काफिर, मुझे तुम्हारा वजू करना पड़ेगा, अरे मुझे बाहर निकाल दो, तरक्की नहीं के दारो, बेटी पहले अपना नाम बता, मेरा नाम रानी है पंडित जी, रानी रानी एकदम मुसलमान नाम होता है, नहीं नहीं रानी एकदम मुसलमान है, रानी तो एकदम शुद्ध हिंदू कन्याओं का नाम होता है, नहीं मुसलमान नाम, नहीं नहीं हिंदू कन्या का नाम होता है, नहीं मुसलमान, अरे मुर्दा जी लड़ते क्यों पहले इसी से पूछे थे, बेटी कल से क्या तू हिंदू है, नहीं से बोल के तू मुसलमान है, नहीं बेटी कल से क्या तू हिंदू है, मुसलमान हिंदू है, हिंदू है, क्या हुआ,
से? ना मैं हिंदू ना मुसलमान। अरे तो फिर क्या है? मैं एक औरत है, गरीब इंसान हूँ, मुझे बात इंसान है तो बड़ी नगर। अगर ये हिंदू होती तो मैं इसे बाहर निकाल देता, हमारे श्री राम जी के काम आती, लेकिन ये तो औरत है, औरतों के लिए तो हमारे धर्म में ही, हमारे धर्म में यही चुस्ती हो गए, गड्ढे में पड़े रहना। अरे पंडित जी, हमारे मजहब में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है औरतों के बारे में, तो पढ़ी ना गड्ढे में। अभी मुल्ला जी उधर देख रहे हैं, अभी भी कहते तो हिंदू तो बाहर निकाल दूंगा। चले जा यहाँ से, चले जा। अरे आइए पंडित जी, आइए सिर्फ औरत के चक्कर में पड़ रहे सुबह सुबह। अरे मुल्ला जी, कौन से जमाने में जीते आप? आजकल चाय वाले का जो जमाना खत्म हो गया है, आजकल जमाना है पेप्सी का, मैकडोनल्ड का, पिज्जा का, और एक बहुत अच्छा सा भजन मुझे आता है, सुनाऊं? पेप्सी पी और बर्गर खा, दाल रोटी भूल जा। पेप्सी पी और बर्गर खा, दाल रोटी भूल जा। पेप्सी पी और बर्गर खा, दाल रोटी भूल जा। पेप्सी पी और बर्गर खा, दाल रोटी भूल जा। कोई मुझे बाहर निकालो, मैं कब से इस बच्चे में पड़ी हूँ, बच्चे मेरा घर पर इंतजार करते होंगे, कोई मुझे बाहर निकालो। Some female voice in front of this mess. Did you hear that? कोई औरत बोलता है इधर, मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, आपने सुना? किधर है, किधर है भाई? हेल्प मी प्लीज। वेयर आर यू मैडम? मैडम वेयर आर यू? आई गॉट माई सैंपल, थैंक यू। नमस्कार मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम। नमस्कार। देखिए मेरा नाम जॉनसन है। सॉरी, लेट मी, मेरे को अपना परिचय पत्र देना दीजिए पहले। देखिए, मैं आपका देश में आया, आपका देश में कितना घाटा है उसका साइंटिफिक एनालिसिस करेगा, उस एनालिसिस को उधर सुपर कंप्यूटर में डालता और आपका गाढ़ा के लिए क्या करना बोलता हम आपको बताता, हमारे कुछ प्रश्न का उत्तर देगा। आप कब से इस गाढ़ा में है? फिट केस फॉर माई रिसर्च। थैंक यू। अच्छा, जब आप इस गाढ़ा में गिरे तो आपकी चेतना की अचेतनता में किस प्रकार की अनुभूति थी? आई मीन, मैडम आपका मोदी कितना प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर खरबों रुपया खा गया और आप इतना इजी प्रश्न नहीं। ओके, हम आपको और इजी प्रश्न पूछता है, जर्मन प्रॉब्लम के बारे में क्या विचार है आपका? कौन सा, क्या जी? जर्मन प्रॉब्लम मतलब? मैंने कोई मतलब नहीं लगाया, मुझे बाहर निकाल दो। गाय के दूध के बारे में आपका क्या विचार है? गाय का दूध नसीब हो तब ना, हमने तो कभी चखा ही नहीं। नीतीश कुमार जी कौन सा चाय पीता है? हमें क्या पता जी, हमने तो पानी पीता। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। सॉरी मैडम, दिस इज फनी, यू नो दिस इज फनी, दिस लेडी डिजिटल इंडिया, शी डजंट नो, छोटा छोटा सवाल इसको नहीं आता है। सॉरी मैडम, वन मिनट, एक बात बताइए, अगर हम आपके गड्ढे में 24 आवर वाई फाई दे, 24 आवर आपको टीवी दे, सब कुछ दे, तो आपको पैसा ना देगा? टीवी? अरे मैं परेशानी में हूँ, मुझे टीवी की बीमारी लगाना चाहते हो? इंडिया आई एम टॉकिंग ऑफ 24 आवर्स वाईफाई एंड टीवी। मोदी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस कंट्री, हमारे साथ अमेरिका चलो, आ जाओ, क्या फायदा इस तरह का बेहो? अरे कोई तो बाहर निकालो, कोई है? अरे आजा भाई, जल्दिया मैं खा रहे क्या? जे, चार दिनों का 4 दिन से लॉटरी लगी है और ना अपने सट्टा लग रहा है, 4 दिनों का 4 दिन से जॉब देना मुश्किल हो रहा है भाई, 4 दिन हो गए। अरे भैया, अरे सुन, मेरी दादी जी कहती थी कि जो पोचे और ऋषि मुनि होते हैं वो या तो पाताल में रख के तपस्या करते हैं, या पहाड़ पे। मुझे लगता है ये कोई देवी है। प्रणाम कर, प्रणाम देवी जी, प्रणाम। अरे देवी जी, लॉटरी का नंबर बता दो। घर का नंबर? लॉटरी का नंबर? मेरे घर का नंबर 222 है। टुकी कितना लगेगा? टुकी कोई तो बाहर निकालो। अरे
गड्ढा अभी तक भी नहीं पटा, मंत्री जी आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, जल्दी करो जल्दी करो। व्यवधान मत डालो, मेरे को अपनी जनता से बात करनी है, जनता से बात करना है। मित्रों मित्रों आप लोग कैसे हैं? बहुत कैसे हैं मित्रों? अरे सर देखे ना, सबके दांत बहुत ही जैसे चमक रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ किराए के ताली बजाने वाले हमारे राज्य। और ये इप्टा के लोग क्या बोल रहे हैं? इप्टा के लोग बोल रहे हैं देश का सत्यानाश हो रहा है। मित्रों क्या देश का सत्यानाश हो रहा है? मुझे बताइए जरा, बताइए कहाँ हो रहा है देश का सत्यानाश हो रहा है क्या? नहीं, नहीं, हम कल मद्रास में गए, वहाँ कुछ काले पिलोटे चिल्लाने लगे, चावल दो चावल दो। हमने कहा तुमको चावल चाहिए तो केवी खाओ। अभी वहाँ इफ्ता का वहाँ पर हो रहा है नृत्य भवन के अंदर, बोले हमको गेहूँ नहीं मिलता, अनाज नहीं मिलता। हमने कहा भैया जिनको गेहूँ नहीं मिलता वो चावल खाओ। और हम क्या कह रहे हो किरणधारी जी? किरणधारी भैया जी क्या बोल रहे हो? चावल और गेहूँ गेहूँ नहीं मिलता, आज के लिए तो केक के कारण। हमें ब्राह्मण समाज, फिर मुस्लिम समाज, फिर सिख समाज में जाना है, जरा सा वो करवा लीजिए। वो कमिश्नर साहब का फोन आ रहा है। कौन से कमिश्नर का? प्रॉब्लम हो गई है। कौन सा कमिश्नर? हमको फोन कर डाला, क्या जरूरी है? क्या हुआ हमारे रात को पार्टी में? हमारी पोती की जो शाम है बर्थडे पार्टी, दारू नहीं आ सकती हमें क्या हो गया? पूरी पार्टी लगा रखी हमने सफाई में, तुम कर हमारे घर दारू नहीं आ सकती? कमाल कर रखे आपने, क्या हुआ? पिछली पिछले हफ्ते तो आई थी हमारी हमारी पत्नी के जन्मदिन पर। क्या कहा? तब वो बियर के केन जो थे वो चूहे पी गए थे, आपने ये बताया था। इस बार क्या करना? अरे इस बार कुत्तों को पिला दो। रात वाले तुम्हें तुम्हारे पत्थी हटाए या तुम करोगे? ये बेकार की बात। मंत्री जी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर पैदा हो गई है। अरे आज 15-15 हमने रखे हुए हैं बाबा, अपने मंत्रिमंडल के अंदर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है मंत्री जी? एक औरत गड्ढे में गिर गई है, एक औरत गड्ढे में गिर गई है। हमें पट्टे डाल के मिट्टी डाल दिए, नहीं है होगी, नहीं आवाज नहीं आ रही है, ऊपर आवाज नहीं आ रही है, उसी जगह पे गड्ढा है। अच्छा नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। तुमको तो इसलिए हमने अवसर बनाया था, तो शाखा में जाते थे इसलिए अवसर बनाया। बेवकूफ, औरत को गड्ढे में डाल देना, ना वो सुनती है ना दिखाई देती है, ये समस्या का है, ये तो सोल्यूशन है। कैसे? अरे देखो हमने ये लड़कियों के बाल गिरह बनवाए, वहां लड़कियां गायब करें, सती कराने का हम कानून पास करने वाले थे, सती होना होगा। और हम जो है कितना कितना कर रहे हैं, देखो बिहार में कितना कितना लड़कियों को हमने गायब करा दिया, उसके बाद क्यों कराया हमने ये? ताकि लड़कियों की समस्या का समाधान हो जाए। ये लड़कियां जायदाद में हिस्सा मांग रही हैं, बराबर का हिस्सा मांग रही हैं, कह रही हैं हम मर्दों से दबेंगे नहीं।
ऐसा करते हैं, ट्रम्प जी से मैं बात करता हूँ, इस देश के अंदर औरतें कितनी हैं? बहुत सारी हैं, 50% औरतें हैं। 50% यानी 60 करोड़ हो गया, 60 करोड़। अगर हम ट्रम्प जी से बात करें अपने देश में 60 करोड़ गड्ढा खोदने का, वो लोन दे देंगे, सॉफ्ट लोन, तो हम उनको गड्ढा खुदवा के तो औरत को डाल देंगे सबको, तो ये सोल्यूशन होगा या प्रॉब्लम होगा? चुनाव आ रहे हैं, रोते पे फोटो छापना है और फ्रंट पेज पे छापना, तो जैसे काशीराम जी ने पिटवाया था वैसे काशीराम जी तो पुरानी बात है। अब क्या करें भाई, चलिए जरा किराए के खाली भाई अभी भी उसमें बिहार की सरकार गिर गई, सरकार गिर गई, बदल गई सरकार बदल गई। तो हमारे पास क्या, हम टोपी नीचे रखेंगे, दूसरी टोपी भी है हमारे पास, अभी क्लियर नहीं हुआ कि दूसरी सरकार आई है, तो दोनों अंदर रख देते भाई, टोपी की सरकार रखा है। चलिए चलिए जरा किराया का, हमारे नेता कैसे हो, मंत्री जी कैसे हो, सूरज चांद रहेगा, मंत्री जी का नाम रहेगा, चार घंटे लेट हो गए, क्या करें, ओवर टाइम भी नहीं मिलता, अरे मर जाते, कौन सी हमारी बीबी है, मरने देख कर उठा, यहाँ से पब्लिक बैठी मारेगी तू, आज की बोतल का खर्चा तेरा, चार मुझे दो। ऐसा है मैडम, बिना ओवर टाइम के तो हमारी बीबी भी गिर जाती है, उसे भी बाहर नहीं निकालते, मुझे क्यों निकाली, सरकार वैसे ओवर टाइम नहीं देती है। चलो मैं जल्दी का आज बोतल तू लेगा, ठीक है भाई, सब चले गए, किसी ने मुझे बाहर नहीं निकाला, अब तो दिन भी ढलने को है, क्या हम बेटियों को, औरतों को, दलितों को, मजदूरों, किसानों, अल्पसंख्यकों को ऐसे ही इस अंधकार के गड्ढे में पड़े रहना पड़ेगा, क्या हमें कोई बाहर नहीं निकालेगा, कोई नहीं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए